Hey guys, I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with the LLP, that is Limited Liability Partnership Act, जिसमें हम काफी देर से बात कर रहे थे कि हमारे पास में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है जिसमें हम देखते हैं आप पार्टनरशिप कैसे बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, क्या उसमें पार्टनर्स के म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, किस तरह से वो थर्ड पार्टी के साथ डील करते हैं, आप उसे कैसे फॉर्म करेंगे, डिसॉल्व करेंगे और जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप कैसे डील करेंगे, ये सब हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देख रहे थे। और उसके अलावा एक और एक्ट है आपके सीए फाउंडेशन में जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने ये बेसिक्स कवर किए थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें क्या लाइबिलिटी है, कौन से पर्सन के कितना योगदान होगा वहाँ पे और किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, अगर वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है तो वो आप कहाँ लेके जाएंगे, कौन सा कोर्ट उसे एड्रेस करेगा, किस तरह से आप उसका कंपेंसेशन ले सकते हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो वैलिड है या कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो वॉइड हैं। तो यानी आपने बहुत बेसिक दो एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑलरेडी चैनल पे कवर कर लिया है। और उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड एक्ट है जो कि है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, तो हमारे 2008 का LLP एक्ट जो आपके पास में है वो आप अब देखने जा रहे हैं इस सेशन में। हमारे पास में आपके सीए फाउंडेशन के लिए बीसी के और बिजनेस इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सो अगर अब तक आपने हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड सर्व द चैनल एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू वीडियो अपलोडेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके बारे में हम कुछ बेसिक्स 12th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपका 11th 12th कॉमर्स से था तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है। आप पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की अकाउंटिंग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से हम उन्हें अकाउंट फॉर करते हैं, उनकी क्या फाइनेंशियल्स बनते हैं और किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज में ली जा सकती है। उसी तरीके से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आप किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं और इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो आप ऑलरेडी आपके 11th 12th में देख चुके होंगे। स्टिल वी आर गोइंग टू हैव द बेसिक इंट्रोडक्शन, आप किस तरह से इसे बना सकते हैं और वहाँ पे क्या उसकी फॉर्मेलिटीज होगी, क्या रिलेशन होगा इसके पार्टनर्स का और ये कैसे काम करती है, वो सारे फैक्टर्स हम इस एक्ट में कवर करेंगे। आज का जो सेशन है वो होगा आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन। सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसा कि नाम से बता रहा है आपको, एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के रूल्स कंबाइन कर दिए गए हैं। पार्टनरशिप में क्या होता था कि आपके पास जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी उनका जो प्रॉपर्टी है उनको आप यूज कर सकते हो पार्टनरशिप की डेट्स को फुलफिल करने के लिए, उनका डेट्स का रिपेमेंट करने के लिए। वहां पे हम कहते हैं कि कंपनी जो है वहां पे आपकी लायबिलिटी काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर्स उसके जो है वो वहां पे सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितने का शेयर उन्होंने परचेज किया है, यानी उनके लायबिलिटी उनके शेयर अमाउंट तक लिमिट हो गई। तो हम पार्टनरशिप में कंपनी के बेनिफिट्स कैसे लेके आए, ये एक बेसिक फंडा था हमारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पीछे कि यहाँ पे हमने कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेस्ट पॉइंट्स ले लिए थे। पार्टनरशिप जहाँ बहुत ईजी होती है बनाने के लिए, वहीं पर आपकी कंपनी बहुत मुश्किल होती है फॉर्म करने के लिए, साथ में ही उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर आपका काम इतना बड़ा नहीं है कि आप वहाँ पर पूरी फॉर्मेलिटीज के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तब तक आप कंपनी का फॉर्मेट नहीं ले जाना चाहेंगे। और ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है जब हम सोचते हैं कि हम कंपनी फॉर्म करें कि नहीं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा फील रहता है। इसमें आपकी फॉर्मेलिटीज भी कम रहती है और जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज भी कंपल्सरी नहीं है, बट स्टिल हमारे पास में इसको एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि इसके मैक्सिमम नंबर लिमिटेड होते हैं और एक ये अलग से लीगल एंटिटी नहीं होती है, आप इसके बिहाफ पे कुछ नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी भी फेस करनी होगी। तो ये जो डिसएडवांटेजेस थे आपकी कंपनी और पार्टनरशिप दोनों को हटाते हुए वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक एक्ट इन्होंने इशू किया, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक एक्ट लेके आई 2008 में और वो एक्ट आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। यानी एक और नया फॉर्मेट आपके पास में आया है अपना बिजनेस करने के लिए, जहां पे आप कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट्स को साथ में ला सकते हैं और वहां पे आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को फॉर्मेट कर सकते हैं।
ये कैसे आई फॉर्म में वो हम अभी देख रहे हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, और उसके बाद में इसके क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम देखेंगे हमारे इसी लेक्चर के अंदर. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द लेक्चर. हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली बात, हमारा जो एक्ट है वो आया है 2008 के अंदर, और वहाँ पे हमने यहाँ आपकी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ इसे नोटिफाई किया था. फिर उसके बाद में हमने कहा पार्लियामेंट में जब ये पास हुआ वो था आपका 12 दिसंबर 2008, और फिर प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इसे 7 जनवरी 2009, और ये बन के आया हमारे पास में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस पे आपके पास में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और हो सकता है कि इन डेट्स पे आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आप इन्हें छोड़ नहीं सकते हैं. प्लीज रिमेंबर दीज डेट्स कि आपको 12 दिसंबर 2008 में ये बिल पास किया गया था आपके पार्लियामेंट से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से ये बिल पास हुआ था दिसंबर 2008 में, और प्रेसिडेंट का इसको अप्रूवल मिल गया था जनवरी 2009 में. इसलिए इस बिल को हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ओके, जब ये बिल पास हुआ प्रेसिडेंट का इसको असेंट मिल गया तब ये बन गया आपका एक्ट. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में 2008 इज द इम्पोर्टेंट डेट, देन यू हैव 12 दिसंबर एंड 7 जनवरी. उसके बाद में हमने कहा कि एलएलपी एक्ट जो है वो 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल से कंप्राइज किया जाता है. जहाँ पे जब हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके पास आते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज. जैसा हमने कहा कि आपके पास पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में, मेंबर्स नहीं होते हैं, यू हैव अ फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप इन इट. तो वहाँ पे आपके जो म्यूचुअल राइट्स हैं पार्टनर्स के बीच में, किस तरह से काम करेंगे, कितना लिमिटेड है, कितना अनलिमिटेड पोर्शन है, वो सब चीज़ें आपके फर्स्ट शेड्यूल में दी गई है. और अगर वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं वो भी आपका फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है. उसके बाद में सेकंड शेड्यूल इसका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे आपको कन्वर्जन रूल्स दिए गए हैं, यानी अगर आपके पास अभी पार्टनरशिप फर्म है तो आप उसे एलएलपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो रूल्स आपके फर्स्ट शेड्यूल में है. और अगर आपके पास में इस वक्त प्राइवेट कंपनी है तो आप उसे एलएलपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रूल्स आपके पास में थर्ड शेड्यूल में है. ओके, तो आपके सेकेंड और थर्ड शेड्यूल जो हैं वो कन्वर्जन रूल से डील करते हैं कि आपके कन्वर्जन के टाइम पे क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा. देन वी हैव द फोर्थ शेड्यूल. फोर्थ शेड्यूल में हमने कहा कि आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में चेंज कर सकते हैं. ओके, तो जब हमने कहा कि 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं, तो 4 शेड्यूल्स आपको बहुत ईजिली यहाँ पे कवर हो जाएंगे. पहला शेड्यूल बताता है कि आपकी कंपनी कैसे काम करेगी, आपकी पार्टनर एलएलपी कैसे काम करेगी. और जब हम ये कह रहे हैं कि आपके जो एलएलपी है उसमें पार्टनर्स भी होंगे, और उसके अलावा हम कह रहे हैं अगर एग्रीमेंट नहीं है तो जैसा हम कंपनी में कहते हैं रेफर टू द कंपनीज एक्ट, और जैसा हम पार्टनरशिप में कहते हैं रेफर टू द पार्टनरशिप एक्ट, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से आप पेमेंट करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपके एक्ट से हम लेते हैं. उसी तरह से एलएलपी में कौन सा प्रोविजन आप कब यूज़ करेंगे, पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है, पार्टनर्स कैसे एक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आपके फर्स्ट शेड्यूल में मैंशन की गई है. बाकी तीनों शेड्यूल आपके कन्वर्जन के लिए हैं. सेकंड शेड्यूल इज फॉर द फर्म टू एलएलपी, थर्ड शेड्यूल इज फ्रॉम प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी, एंड फोर्थ शेड्यूल इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी. आपके पास में लिस्टेड पब्लिक कंपनी के कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, आपको उसको वाइंड अप करके नया एंटिटी स्टार्ट करना होगा. ओके, सो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेड्यूल आपके क्लियर है, यानी चारों शेड्यूल हमने यहाँ देख लिए. फिर हम आते हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि MCA जो कंपनीज के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई है वो, और साथ में ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, वो ही दोनों हैं जो इसे वर्न कर रही है. यानी अगर हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास में ये दोनों का नाम नहीं आता है, बिकॉज ये दोनों पार्टनरशिप एक्ट को कवर नहीं करते हैं. दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर कंपनीज, एंड LLP इज ऑल्सो अंडर द गवर्निंग बॉडी ऑफ MCA एंड ROC. आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही ऐसा होगा जो LLP के एक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है. ओके, उसके बाद में हमने कहा कि जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके रूल्स बनाएगा इसके रिगार्डिंग में, और उसे अमेंड भी कर सकते हैं, ऑफिशियल गैजेट में इसका नोटिफिकेशन आता है. इंडियन पार्टनरशिप किसी भी तरीके से आपके LLP पे एप्लीकेबल नहीं होगी. यानी हमें बहुत क्लियरली ये बात पता चली है कि LLP एक्ट 2008 है जो आपके LLPs पे एप्लीकेबल होगा. इसके चार शेड्यूल हमने अच्छे से देख लिए हैं कि इनमें क्या क्या हमने मेंशन किया था. हमारे पार्लियामेंट से ये पास हो गया था दिसंबर 2008 में, प्रेसिडेंट का एसेंट मिलते ही इसे हमने LLP एक्ट 2008 बता दिया गया था. MCA और ROC इसी गवर्निंग बॉडीज है.
सेंट्रल गवर्नमेंट इसके रूल्स बनाती है और पार्टनरशिप एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे केवल एलएलपी एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. ओके, सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हम ये देख रहे थे कि अब किस तरह से एलएलपी को हमने इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद में हम चलते हैं हमारे सेकंड पोर्शन पे, जहां पे हमने देखा कि इसका मीनिंग क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है. मीनिंग हमारे पास में ये होता है कि एलएलपी जो है एक नया फॉर्म है जो मिक्सचर है कंपनी और पार्टनरशिप का. तो हमने कहा कि इसमें ये एंटिटी है जिसमें पहली बात आपकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी है. ओके, सेकेंड थिंग इज की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जैसे आपकी कंपनी होती है. और उसके बाद में वाइल एलएलपी इज विल बी लाइबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड. तो हमारे पास भी जितने भी पॉइंट्स हैं ये सिर्फ इसी बात से निकल के आते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. लायबिलिटी लिमिटेड सिर्फ तब हो सकती है जब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो और उसके जो असेट्स हैं उसके लिए वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो अपने पार्टनर से पैसा नहीं ले सकते. उसके बाद में हम कह रहे हैं कि एलएलपी जो है वो एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जो आपको बेनिफिट देता है कंपनी का भी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है पार्टनरशिप की भी. तो उसके बाद हमारे पास में ये आ गया कि ये है एक हाइब्रिड कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में. फिर एक और पॉइंट हमारे पास आता है जो कि है फॉरेन एलएलपी, यानी कि आपकी ऐसी एलएलपी जो बाहर रजिस्टर हुई है बट काम इंडिया में कर रही है. ओके, सो एनी एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया विच एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. कंपनी जो है एलएलपी जो है वो बाहर बनाई गई थी, इनकॉर्पोरेट बाहर हुई थी, काम उसका जो मेजर हेड ऑफिस है, उसका जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सब चीजें बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, बट उसका जो मेजर बिजनेस प्लेस है, जो उसका बिजनेस हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है. तो उन एलएलपीज को हम कहेंगे फॉरेन एलएलपीज. और ये सारी चीजें जो हमने कही एलएलपी की जो चीजें हैं वो सब मॉनिटर की जाती है एलएलपी एग्रीमेंट से. यानी ये जो फीचर है ये है आपका पार्टनरशिप का फीचर कि आपके पास में एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में. और उसके बाद में हमने कहा एक और एग्रीमेंट होना चाहिए आपकी एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में विच डिटरमाइंस द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेशन टू एलएलपी. ओके, अब हमारे पास में दो चीजें इसमें से आती है कि फीचर्स जो हमने उठाए हैं. पहली चीज हमने ये ली है कि पार्टनरशिप जो है वो हमारे को दे रही है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट हमने लिया उस बेसिस पे जैसे हमने पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट किया, वो चीज हमने यहाँ देख ली. उसके बाद में हमने कहा कि एलएलपी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो एक तो पार्टनर से एग्रीमेंट हो जाता है, एक हो जाता है नया पार्टनर जो आएगा वो एलएलपी के साथ में एग्रीमेंट करके ही एंटर होगा. ओके, तो दो तरह के एग्रीमेंट हमारे पास में आ गए जो डिसाइड करेंगे म्यूचुअल राइट्स. अगेन हमें एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी, जब हम पार्टनरशिप में म्यूचुअल राइट की बात करते थे तो हमारे पास में एक एग्रीमेंट होता था, दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, और वो होता था आपके पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म. बट यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम एग्रीमेंट की बात करेंगे आपके पास में दो एंटिटीज आएगी, एक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स और एक एग्रीमेंट बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर. ओके, तो ये दो अलग तरीके की चीजें हो गई. और जब भी हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम इन दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग जो हमने बात की वो है लिमिटेड लायबिलिटी. वो आपका कंपनी का फीचर है, वो आपको नाम से बहुत क्लियर है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी. ओके, सो दिस इज सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी एंड बेस्ड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स एज वेल एज एग्रीमेंट बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स. ओके, इनकी म्यूचुअल राइट्स सब डिसाइडेड होती है. तो ये आपका मीनिंग था, बेसिक कंसेप्ट था एलएलपी को बनाने का. उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आएंगी. बाकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हो गई, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन वही है जो आपकी कंपनीज एक्ट से ली गई है. उसके अंदर आपके पास में काफी सारे फीचर्स एड कर दिए गए थे जब हमने एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया 2008 में. आपकी कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स लाए गए थे कि आप एलएलपी को और आपके द्वारा बनाई गई जो भी फॉर्म्स है आप डिक्लेयर कर रहे हैं उन सबको भी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. और इस तरह की डेफिनेशंस और हैं जैसे आपकी फॉरेन एलएलपी हो गई, तो ये डेफिनेशंस आपके ऑलरेडी कवर हो चुकी है. अब हम जो देखेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है आपके पार्टनर की, पार्टनर इन पार्टनरशिप एक्ट अलग हो जाएगा और पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी अलग हो जाएगा. तो जब हम पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी की बात करते हैं तो देयर इज एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट. ये तो एकदम बेसिक चीज हो गई, आपका पार्टनर उसी को कहोगे जो उस एग्रीमेंट में साइनिंग अथॉरिटी रख रहा है.
सेकेंड थिंग इज कि कौन ऐसे लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते या फिर दे शाल नॉट बी केपेबल ऑफ बीइंग अ पार्टनर. तो ये भी आपका कॉमन फीचर है, जैसे कि कोई ऑफ अनसाउंड माइंड है, यानी कि वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट है. ये हमने पार्टनरशिप एक्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अनडिस्चार्ज इनसॉल्वेंट को हम क्या ट्रीट करते हैं, क्यों होता है, किस तरह से होता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट में क्या इन्फ्लुएंस होगा, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख चुके हैं. फिर आता है कि अगर उसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, एडजुडिकेटेड है वो, उसने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, उसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग चल रही है, तो भी हम उसे इंसॉल्वेंट के इक्वल ही मानते हैं और वो भी आपकी एलएलपी में आपका पार्टनर नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये तीन क्राइटेरिया ऐसे आएंगे जो पार्टनर नहीं बन सकते. फिर हम चलते हैं आपके मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 2 होते हैं, यही आपके पार्टनरशिप में भी था. और जब हम उसकी बात करते हैं कि अगर एलएलपी में मिनिमम नंबर से रिड्यूस हो रहा है, यानी कि बिलो 2 वो जा रहा है, एंड एलएलपी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास में कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी में अगर सारे मेंबर्स नहीं रहते हैं तो भी कंपनी वहां पे वर्किंग रहेगी. ओके, सेम उसी तरह हमने कहा कि एलएलपी भी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इवन इफ देर आर नो पार्टनर्स अवेलेबल तो भी एलएलपी काम कर सकती है. तो हमने कहा वहां पे 2 पार्टनर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास में ये 2 पार्टनर्स नहीं रहते हैं और कंपनी जो है 6 महीने से ज्यादा काम कर सकती है, तो क्या होगा, आपके 6 महीने तक आपको काम करना अलाउड है, आप सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, बट अगर वो 6 महीने से ज्यादा काम करती है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, द पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल बी लायबल पर्सनली. नाउ ओके, आपके जो पार्टनर्स हैं उनको पर्सनली उनका ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करना पड़ेगा. अब एलएलपी वहां पे रोल में नहीं आएगी, एलएलपी नहीं कहेगी कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमारे जितने भी डेट्स हैं, जितने भी असेट्स हैं, उनके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है. ओके, 6 महीने से ऊपर अगर आप 0 पार्टनर्स के साथ या 1 पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं, तो जो पार्टनर ये काम कर रहा है वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, एलएलपी का अस्तित्व खत्म हो रहा है यहाँ पे, और जो पार्टनर्स हैं वो अपने पार्टनरशिप वाले रोल में आ जाएंगे. ओके, यानी किसी भी तरीके से जो क्लाइंट हैं या फिर जो थर्ड पार्टी से, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, आप वहां पे उसका पेमेंट करेंगे पर्सनली, उसका जो असेट है, पर्सनली जो उसकी प्रॉपर्टी है, उससे आप उसका पेमेंट करेंगे. ओके, देन वी हैव एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. एलएलपी में अगर आपके पास में 2 पार्टनर भी हैं, तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपको लाने जरूरी हैं. ये क्यों होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब वैसे पार्टनर्स जो वहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं और एलएलपी के सारे डिसीजंस के ऊपर वो वहाँ पे अपना कंसेंट देंगे, जो भी डिसीजंस ले जा रहे हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर हो रहे हैं और वो उसी तरीके से वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं. ओके, सो दे शुड बी एटलीस्ट 2 डेजिग्नेशन पार्टनर होने चाहिए जो इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आप एक माइनर को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि माइनर जो है वो कैपेसिटी नहीं रखता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए. ओके, एंड एटलीस्ट 1 ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा इंडिया में ही रह रहा है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और वो आपके सारे सिग्नेचर्स, आपके सारे वहाँ काम करने के लिए एलिजिबल है, वो काम कर सकता है, ऐसा एक डेजिग्नेटेड पार्टनर आप वहां पे लगाएंगे. ओके, ऑल द पार्टनर्स आर द बॉडी कॉर्पोरेट ऑन इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल और द बॉडी कॉर्पोरेट, यानी हम ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब आपके सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं. अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें तो ये वो डेफिनेशन से निकल के आता है कि कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, एलएलपी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है. तो कंपनी और एलएलपी, अगर 2-3 कंपनीज और 2-3 एलएलपी मिलके एक और एलएलपी क्रिएट कर रही है, यानी उसके जितने पार्टनर्स हैं सब बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, या फिर उसके एक से ज्यादा पार्टनर्स, मतलब अगर हम कहें फॉर एग्जांपल उस एक एलएलपी हमने क्रिएट करी जिसमें 5 पार्टनर्स हैं, इसमें से हमारे पास में 2 आपकी कंपनीज हैं, 2 एलएलपी है और 1 वहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर हमारे पास में अवेलेबल है, तो ये जो इंडिविजुअल पार्टनर है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर में जरूर आएगा. ओके, इंडिविजुअल होगा और अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वहाँ आएगा. एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हुआ पार्टनर ऑफ एलएलपी और नॉमिनीज ऑफ दिस बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. ओके, यानी अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कर रहे हैं तो ये
जो इंडिविजुअल है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर में जरूर होगा। उसके बाद में ये जो हमने बॉडी कॉर्पोरेट ली है, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी में से हमने एक डायरेक्टर को चूज किया कि ये जो पर्सन है डायरेक्टर है वो LLP की सारी मीटिंग्स अटेंड करेगा और उसके डिस्कशन में हमारे बिहाफ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो डायरेक्टर जो नॉमिनी है इस कंपनी का, ये एक डायरेक्टर भी आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर में होना जरूरी है, बिकॉज टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर कंपल्सरी। ओके, तो अगर इंडिविजुअल है तो आप वो इंडिविजुअल को लीजिए, और उसके अलावा आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बॉडी कॉर्पोरेट के उसमें से किसी भी एक दो लोगों को हमें मिला के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वहाँ पे अपॉइंट करने होंगे। यानी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके पास में दो होंगे, उसके अलावा कोई अनसाउंड माइंड का इंसॉल्वेंट या फिर एप्लीकेंट फॉर इंसॉल्वेंट वहाँ पे पार्टनर नहीं हो सकता है। उसके बाद में हमने कहा कि उन पार्टनर्स में से अगर ऐसा हो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे आपके पार्टनरशिप चली जाती है, तो जो पर्सनली वहाँ पे जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो ही पर्सनली लायबल होंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए इफ द टाइम पीरियड इज मोर देन 6 months। ओके, फिर आता है थर्ड पॉइंट जो था आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, जहाँ पे हमने ये बात कही कि आपके जो इंडिविजुअल है वो वहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे और जो पार्टनर्स हैं वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम। देन अगर वहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट्स है तो आप बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को भी वहाँ पे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, तो ये बात आई आपके पार्टनर से रिलेटेड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है आपके लिए क्योंकि इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। ओके, देन इसमें हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स सेलियंट फीचर्स ऑफ LLP के लिए। यानी अब तक जो हमने देखा कि LLP क्या है, क्या किस तरह से वो बन रही है, क्या एक्ट वहाँ पास हुआ, उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है LLP के अंदर जो आपकी कंपनी और आपकी फर्म से ली गई है और कैसे ये बनती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने जरूरी है। ओके, जैसा हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कहा था, LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक एक्ट के अंदर बनाई जाती है एंड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जैसे ही ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो बन जाती है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, यहाँ पे ये डिफरेंट रहेगी अपने पार्टनर से और इसका होगा परपेचुअल सक्सेशन, बट अगर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर से वो नीचे जाके 6 महीने से ऊपर काम करती है तो इसकी लायबिलिटी लिमिट हो जाएगी। LLP वुड बी अ परपेचुअल सक्सेशन, LLP चालू रहेगी बट उसकी लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी उसके पार्टनर्स पे। ओके, अगर वो काम नहीं कर रही है तो भी LLP विल बी द इंडिविजुअल, अगर न्यू पार्टनर्स आ रहे हैं वो LLP के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसे कंटिन्यू करेंगे जो बिजनेस वहाँ पे था, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बट अगर वो काम कर रही है मोर देन 6 months तो उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके, देन इट इज परपेचुअल सक्सेशन की वो कंटिन्यूटी वहाँ पे काम करेगी, वहाँ पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। किसी भी पार्टनर की डेथ, इनसेनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी LLP के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करती, जबकि हमने पार्टनरशिप में बहुत क्लियरली देखा था कि किसी भी पार्टनर की डेथ, इनसेनिटी, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी के कारण आपको पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी होगी, इन मोस्ट सर्कमस्टेंसेस आपको फर्म डिसॉल्व करनी होगी और आपको न्यू फर्म वहां पे क्रिएट करनी होगी। ओके, एंड LLP इज एबल टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, तो इसी कारण से वो किसी और LLP में मेंबर भी हो सकते हैं क्योंकि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल होते हैं। देन इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये एक सेपरेट एक्ट के अंदर बनी गई है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह माना जाता है और इसके असेट्स भी इसकी है, लाइबिलिटीज भी इसकी है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है वहां तक का लिमिटेड है, अंटिल अनलेस आपका जो मिनिमम लिमिट से नीचे आने वाला क्राइटेरिया है वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। ओके, LLP के जो क्रेडिटर हैं वो LLP के रहेंगे, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी में इनका कोई हिस्सेदारी नहीं होगा। देन द म्यूचुअल एजेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके पार्टनरशिप फर्म के लिए। जब हम म्यूचुअल एजेंसी की बात करते हैं LLP में, तो वो बोलता है कि किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए आपकी LLP लायबल नहीं होगी। नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ एनी अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के इंडिपेंडेंट अनऑथराइज एक्सेस के लिए कोई भी एक्शन उन्होंने किया हो उसके लिए ना तो आपकी LLP लायबल है और ना ही आपके अदर पार्टनर्स वहां पे लायबल होंगे। ओके, आपका जो LLP के बिहाफ पे काम किया गया है वो म्यूचुअल एजेंसी काम में रहेगी, उसके लिए आपकी LLP भी लायबल होगी एंड द पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय एनी अदर्स पार्टनर रॉन्गफुल बिहेवियर, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट टू द LLP
अलोन ओके वो एलएलपी के हर काम के लिए लाइबल होंगे, वो वहां के लिए उसके एजेंट है, एज हमारे जो आपस में पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी या कंसेप्ट था वो कंसेप्ट हम यहाँ लेके नहीं आए हैं क्योंकि ये एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है. देन वी हैव अदर थिंग्स जो इसमें हमारे कवर होती है, देयर आर अराउंड 16 पॉइंट्स जो हमारे यहाँ कवर होंगे. एलएलपी एग्रीमेंट की जब हमने बात की तो वो डिफाइन करेगा आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, आप एक एग्रीमेंट से उसे गवर्न कर सकते हैं जो पार्टनर्स के बीच में होगा. अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता है तो आप एलएलपी एक्ट 2008 को रेफर कर सकते हैं जैसे कि आप कंपनीज एक्ट को रेफर करते हैं. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ये होगा और इसी कारण से क्यों, क्योंकि इसने एक लीगल प्रोसेस से बनाया गया है, इसमें राइट्स रहेंगे एज एन इंडिविजुअल, ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ये इनविजिबल है, इनटेंजिबल है और इमॉर्टल है. ओके इट इज इनविजिबल इनटेंजिबल एंड इमॉर्टल बट इट कैन बी डिसॉल्वड ओनली बाय द एक्शन ऑफ लॉ. डेथ इंसैनिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट इफेक्ट इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके तो ये फिक्टिशियस नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है बट ये इंटेंजिबल और इनविजिबल रहेगा. ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के तौर पर काम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. एंड इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील. कंपनी के पास में कॉमन सील मैंडेटरी है पर एलएलपी में ये मैंडेटरी नहीं है. ओके आपको यहाँ पे किसी तरह की कॉमन सील रखना कोई जरूरी नहीं है, इवन दो ये अपने बिहाफ पे एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और कॉमन सील होना कोई जरूरी नहीं है. लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये लाइबिलिटी पार्टनर्स में एक्सटेंड नहीं की जाती है, एलएलपी तक ही लिमिट रहेगी. वो वहां पे सिर्फ एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक लाइबल होंगे, उसके बाद में वो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के लिए लाइबल नहीं रहेंगे. ओके देन इट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. अगर हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एलएलपी के जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो यहाँ का मैनेजमेंट देखेंगे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस, और उसके अलावा यहाँ पे किसी तरह के और हमारे पास में एडिशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं रहेंगे. मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर्स आते हैं और वहाँ पे 2 इंडिविजुअल वहाँ पे ऐसे होने चाहिए जो हम डेजिग्नेटेड पार्टनर में लगा रहे हैं, और एटलीस्ट 1 शैल बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैक्सिमम लिमिट यहाँ नहीं है. ये आपका पॉइंट आता है पार्टनरशिप एक्ट के बेनिफिट में कि वहाँ पे मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की गई है. यहाँ पे मिनिमम पार्टनर्स 2 हैं बट मैक्सिमम पार्टनर्स डिसाइड नहीं किए गए हैं, आप कितने भी मैक्सिमम पार्टनर्स यहाँ रख सकते हैं. ओके फिर आते हैं हमारे पास में बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली. ये आपकी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक है कि आप केवल लॉफुल बिजनेस लेंगे और आपका व्यू पॉइंट जो है कि वो अर्न प्रॉफिट होना चाहिए. आप एनजीओस, चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस वाले बिजनेस एलएलपी में स्टार्ट नहीं कर सकते. इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वही रूल बनाती है, वही इसकी कंपिटेंट अथॉरिटी है, वही यहाँ पे एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करेगी. वो चाहे तो एक बॉडी फॉर्मुलेट कर सकती है जिससे आपका एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स की हम बात करते हैं तो वहां आता है आपका मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ एलएलपी जो अलाउड है आपको एलएलपी एक्ट के अंदर. कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके जो शेड्यूल्स हैं एलएलपी एक्ट के 2, 3 और 4 वो तीनों शेड्यूल्स आपके फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कन्वर्जन टू एलएलपी को गवर्न कर रहे हैं. देन इट इज ई फाइलिंग. आपको सारे डॉक्यूमेंट एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जहां पे आप कंपनी की फाइलिंग करते हैं वहीं पे आपको इनको ई फाइल करना होगा और रिक्वायर्ड पार्टनर डिजिग्नेटेड पार्टनर्स के वहां पे साइन होने चाहिए. रिक्वायर्ड फीस पे करके आप उन फाइल और डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हैं. अगर हम एलएलपी फॉरेन एलएलपी की बात करते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी बाहर इंडिया के बट काम कर रही है इंडिया में, तो वो भी हमारे इंडिया में पार्टनर बन सकती है इंडियन एलएलपी की भी, और फॉरेन एलएलपी में भी वो काम नॉर्मली जैसे इंडियन एलएलपी करती है वो सारे राइट्स इनके पास में अवेलेबल होते हैं. ओके फिर आते हैं हमारा एक ओवरव्यू. जो हमने अब तक 16 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी उनका एक ओवरव्यू है. इसमें आपको सारी 16 कैरेक्टरिस्टिक्स बाय वर्ड्स याद हो जाएंगी. ओके इट इज एन बर्ड आई व्यू जो आप देख सकते हैं. एक जो आपका ये बॉडी कॉर्पोरेट है ये आपका कंपनी का फीचर है. परपेचुअल सक्सेशन किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी इफेक्ट नहीं करेगी, ये भी आपका कंपनी का फीचर है. सेपरेट लीगल एंटिटी भी कंपनी का फीचर है और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी कंपनी का फीचर है. यानी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक बार में ही ध्यान रह जानी चाहिए. इससे हमारे पास में निकल के आता है कि कॉमन सील जो है वो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है. सो यू गॉट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ गो. उसके बाद में हम देखते हैं
हैं एग्रीमेंट, जो आपके पार्टनरशिप का फीचर आता है। बिजनेस केवल प्रॉफिट के लिए आप ले सकते हैं, एनजीओ कॉर्पोरेट सोसाइटी नहीं आएगी, ये आपका पार्टनरशिप का फीचर आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी है आपके आपकी कंपनी का फीचर आता है। ओके, देन इट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी भी आपके पार्टनरशिप का फीचर है, बट यहाँ पे बिटवीन पार्टनर्स नहीं है, केवल LLP के साथ में ही आपकी म्यूचुअल एजेंसी होती है। यानी आपके 9 पॉइंट एक बार में यहाँ पे कवर हो गए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके 2 हैं, मैक्सिमम नंबर आपके डिसाइड नहीं किए गए हैं। मैनेजमेंट आपका डिजिग्नेटेड पार्टनर करेगा, इन्वेस्टिगेशन आपकी CG करेगी, और अगर वो चाहती है तो एक कमेटी भी बिठा सकते हैं। कन्वर्जन के शेड्यूल्स आपके यहाँ कवर हो गए हैं। कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आप LLP एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी मर्जर और एक्विजिशन अलाउड है। ई फाइलिंग आपको MCA की साइट से करनी होगी, और फॉरन LLP को भी यहाँ पे एंटर होने के सारे राइट्स अवेलेबल है। दीज 16 पॉइंट्स आर वेरी इजी, अगर आप इसको इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से याद करेंगे कि पहले 4 पॉइंट आपके कंपनी के निकल के आते हैं, फिर आपके पार्टनरशिप में कुछ एडजस्टमेंट के साथ में निकल रहे हैं, और उसके बाद में आपके अदर जनरल पोर्शन इनके 4 पॉइंट में यहाँ पे कवर हुए हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन पॉइंट्स को याद रखने में और समझने में कि ये कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज द जो समरी जो आपका अब तक हमने देखा। ओके, सो एक और सेगमेंट जो हम आज वाले में कवर करेंगे वो होगा आपका एडवांटेजेस, यानी इस LLP के फॉर्मुलेशन के कारण आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं एक फर्म के अंदर, एक कंपनी के अंदर। ओके, तो इसमें हमारे पास में पहला एडवांटेज ये आएगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड है, और जो ऑपरेट होता है वो सब कुछ आपके एग्रीमेंट के बेसिस पे ऑपरेट होगा। जो एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो, जो रेगुलेशंस आप वहां डाल रहे हो, वही रेगुलेशंस आपके बेसिस बनाएगी इस काम को करने के लिए। उसके बाद में आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी है, बट कंपनी वाले डिटेल्ड लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं वो आपके LLP में नहीं होंगे। यानी आपकी पार्टनरशिप की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से हट गई है, आप एक कंपनी जैसे फॉर्म हो सकते हैं, पर आपको इतना पेपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजी टू फॉर्म हो जाएगा वो। उसके बाद में आपकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है, यानी कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला जो प्रोविजन होता है, जिसके कारण अगर लॉस हो जाते हैं तो आपके पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल आउट हो सकती है, वो चीज भी यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इजी और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको वही रखना होगा, ना ही आप मेंबर्स वाले फंड की ओर जा रहे हैं, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डेट और इक्विटी में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, देन इट इज वेरी इजी टू डिसॉल्व, आपको जिस तरह से इसे बंद करना है आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, इसके प्रोसीजरल वाइंडिंग अप और स्ट्राइकिंग ऑफ वाले ऑप्शंस नहीं होंगे, आप इसे आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ना ही ये पार्टनरशिप की डीड की तरह है कि डेट इंसॉल्वेंसी या फिर किसी भी तरह की इंसैनिटी के कारण वो अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको न्यू पार्टनरशिप डीड में एंटर करना होगा। आप इसे प्रॉपर तरीके से लीगली डिसॉल्व करेंगे, और वहां पे भी आपको कोई बल्कि पूरा प्रोसीजर नहीं दिया गया है, बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए इसे डिसॉल्व करना। ओके, यानी हमने यहाँ पे जो एडवांटेजेस लिए हैं वो है आपकी कंपनी के कुछ अच्छे पॉइंट्स और पार्टनरशिप के कुछ अच्छे पॉइंट्स, जैसे कि एग्रीमेंट पे है, इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो काफी कम कर दी गई है, आप उसे आराम से बना सकते हैं, आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और कैपिटल स्ट्रक्चर आपको जैसा रखना है आप वैसे रख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द एंटायर चैप्टर जिसमें हमने बहुत बेसिक डेफिनेशंस को कवर किया, साथ में आपके एक्ट के बारे में देखा कि वो एक्ट कैसे बना, वो किस तरह से फॉर्म किया गया था। इसके बाद में हमने इसकी डेफिनेशंस, जैसे पार्टनर्स की डेफिनेशंस होती है, वो सारी डेफिनेशंस को यहाँ पे कवर किया है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आपकी सारी 16 कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बर्ड आई व्यू में याद करवाया गया है कि आप किस तरह से उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंपनी से पार्टनरशिप से लिए गए, इनके जो अलग पॉइंट्स थे उनको हटाया भी गया है, तो इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना चाहिए। इसके एडवांटेजेस भी हमने यहाँ पे देख लिए हैं, हमारे आने वाले वीडियोज में हम इस एक्ट को कंप्लीटली समझेंगे कि ये क्यों है, किस तरह से बनाया गया है, और ये किस तरह से फंक्शन करता है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस एक्ट, एंड वी विल बी कमिंग अप वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, एंड बाय बाय।